यूपी में महिलाओं और बच्चियों के साथ दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन मासूम बच्ची के साथ हो रही वारदातों के बाद सीएम योगी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ताज़ा मामला मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली इलाके का है, जहां 5 साल की मासूम बच्ची को घर में अकेला पाकर 14 साल के युवक ने दुष्कर्म का शिकार बना डाला और मौके से युवक फरार हो गया। वहीं बच्ची की हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में परिजन बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मासूम बच्ची का इलाज किया गया और फिर बच्ची ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया, जिसे सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी। साथ ही पीड़ित परिवार ने मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ठीक है सर, कौन लोग हैं? केवल एक था, और भी लोग थे? कुछ क्या, कोई बच्ची के साथ क्या छेड़खानी? हाँ, छेड़खानी करी है। बच्चे बता रहे हैं, हमारे 2 बच्चे थे, ये बता रहे हैं। हम सब दोनों काम पर चले जाने अभी। तो क्या पड़ोस में ही रहता है वो? हाँ, पड़ोस में ही रहता है। गाँव पे एक छोटी बच्ची है 5 साल की, उसके साथ रैप की सूचना मिली थी कि गांव के ही बालक है, 14-15 साल का लड़का है, उसने ऐसा किया है। उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं क्या सत्यता है, और मुकदमा हम लोगों ने लिख लिया है, और जो भी विधिक कार्रवाई है तुरंत की जा रही। वहीं पुलिस ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मासूम बच्चियां वैसी दरिंदों की दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी और कब तक देश ज्यों ही शर्मसार होता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।